श्री कृष्ण सरल की याद में स्मृति समारोह का हुआ आयोजन। एक निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के कई नामी लोगों ने शिरकत की। मुख्य रूप से डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, आचार्य देवेंद्र कुमार, डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र, डॉक्टर सुधीर शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में रचना पाठ करने वालों में डॉक्टर जी बी पचौरिया, श्रीमती कीर्ति गौतम, रंजना शर्मा, हरीश सोनी, राम प्रसाद सिंह, प्रमोद सोनी, रेखा शर्मा प्रमुख रूप से रहे। जिन्होंने इतिहास में अपने लेखन से कई महान कीर्तिमान पेश किए, और आज मैं रिकम्भरा ओझा उन्हीं की एक कविता जिसका शीर्षक है मैं अमर शहीदों का चार पेश करने जा रही हूँ। मैं अमर शहीदों का चार उनके गुण गाया करता, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता। ये सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई, ये सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई, ये सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से, ये सच है अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे ना सहा जाता। ये सच है दाग गुलामी के उनने लहू से धोए हैं, हम लोग बीज बोते हैं उनने धरती में मस्तक बोए हैं। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का आचार्य उनके यश गाया। ये सच है उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई, जीवन की सपने लिखिया उनके जीवन में भी पाई, पर माँ के आंसू लग उनने सब सरस फुहारे लौटा ली, कांटों के पद का वरण किया रंगीन बहारे लौटा। उनने धरती की सेवा के ना वादे किए लंबे चौड़े, उनने धरती की सेवा के ना वादे किए लंबे चौड़े, माँ के अर्चन हित वे फूल ने। दिन भर चले इस कार्यक्रम में सभी ने जमकर आनंद उठाया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश, संस्कृति परिषद एवं मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने किया।